से यही बोलूंगा, जो भी घर में बैठे हैं ना, ऑर्डर करना स्टार्ट कर दो, मजेदार फूड, मजेदार चाइनीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर के रिगार्डिंग केटीएम। तो आप सोच रहे होंगे यार केटीएम, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई कोई सोच रहा होगा भाई केटीएम के साथ बैठ के फोटो वोटो खिंचवाई खाएंगे, वैसे नहीं है। केटीएम क्यों रखा गया है वो इनके ओनर से जाके पूछेंगे। आप सोच रहे होंगे यार ओनर है तो बैठे ही रहते हैं, कैशियर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट के ओनर है ना, वो खुद ही यहाँ पर वेजिटेबल कट करते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं। चलो चलते हैं इनके ओनर। इनके ओनर सर, आपका नाम? लाल बहादुर। सर हमने यूनिक जगह ढूंढा था तो हमको मिला कि रिगार्डिंग केटीएम ईस्ट लक्ष्मी नगर में। तो बता सकते हैं सर ये मतलब आपने ये दुकान खुला हुआ है तो कितने सालों से है ये दुकान? ये दुकान अभी 11 साल से चल रहा है, 2009 में मैंने ओपन किया था। तो इससे पहले मैं कई जगह खुद अपने भी हूँ और कई जगह भी मैंने नौकरी की है, छोटे से छोटे से दो हजार 900 हो गई है सर। ये मतलब आपने जो खासियत नाम है ना केटीएम, वो केटीएम नाम क्यों रखा, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बताएंगे सर? एक्चुअली क्या है कि मैं खुद नेपाल से हूँ, तो ये राजिंग केटीएम का मतलब होता है कि राजिंग एक नेपाल का एक स्पेशल टूरिज्म एरिया है, तो उस वहाँ से हूँ मैं, और वहाँ से होने के नाते मैंने उसी नाम से मैंने यहाँ पे रखा, तो ये अभी काफ़ी फेमस हो चुका है। तो मतलब राजिंग केटीएम मतलब ये होता है कि राजिंग काठमांडू चाइनीज फास्ट फूड मान में, तो राजिंग केटीएम के मतलब शॉर्ट फॉर्म करके मैंने केटीएम कर दिया। केटीएम का मतलब ये काठमांडू होता है। हम लोग सारा हॉल जितने भी टीम है स्टाफ है हम सब नेपाल से हैं, तो जो इस तरह से हम खाना बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से हम चाइनीज फास्ट फूड दे रहे हैं। तो फेमस फूड का नाम बता सकते हैं सर? यहाँ पर है मोमोज, चिली पोटैटो या फ्राइड राइस हो गया, तो खासियत स्पेशल फूड बता सकते हैं? स्पेशल कुछ यहाँ का जैसे भी मोमोज बहुत फेमस है, और चिकन लॉलीपॉप, चिल्ली चिकन और चिकन फ्राइड राइस और चिकन नूडल्स, वेजिटेबल में सब मिल जाएगा, चिल्ली पनीर, पनीर मंचूरियन, काफ़ी सारे आइटम्स है। और ये जो मैंने जो तैयारी किया है सब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप जैसे नूडल्स है, चिकन नूडल्स जो हम फ्राई करके डालते हैं स्पेशली, क्योंकि जो फ्राई इसलिए करते हैं कि टेस्ट आ जाएगा। तो कई लोग कच्चा डालते हैं, तो मैं वो चीज़ कच्चा चीज़ नहीं यूज़ करता, मतलब कि उसको फ्राई कर डालता हूँ। जैसे फ्राइड राइस है, चिली पोटैटोस है, इसमें आपका चिली चिकन है, चिकन लॉलीपॉप है, तो ये मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं खुद ही शेफ हूँ, मैं खुद ही अपने आप शुरू किया था, मतलब अभी तक चल रहा है, और काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हमारा अभी है। सर दिल्ली में आपका मतलब कितना ब्रांचेस होंगे? अभी दिल्ली में 4 ब्रांच अभी चल रहे हैं। 4 ब्रांच लॉकडाउन की वजह से काफ़ी 2-3 और बंद भी हो चुका है मेरा, और अभी इतना 4 ब्रांच चल रहे हैं। कौन से लोकेशन में सर? अभी एक है, एक रोहिणी में है, और एक साउथ दिल्ली गौतम नगर में है, और एक सुसरा में है, और एक थोड़ा सा नगर में चल रहा है। सबसे पुराना यही ब्रांच है। सर इस कोविड की सिचुएशन में कोई कस्टमर आ नहीं पाता रेस्टोरेंट, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे? मैं उनके लिए सजेशन यही करूँगा, जैसे कि नज़दीक की होम डिलीवरी, हम खुद होम डिलीवरी करते हैं, इसके अलावा हमने स्विगी जोमेटो 24 आवर्स से ही चलता है। और बेसिकली रात को अगर किसी को खाना हमारा पसंद आता है तो रात को भी काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहे हैं अभी, और ये दिन में तो है ही है, तो अपना डिलीवरी करते हैं, और प्लस स्विगी जोमेटो दोनों में ही टाई अप कर रखा है, और कभी भी कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15 डिलीवरी जितने भी जो स्विगी जोमेटो जो भी वो देंगे, वो गर्म गर्म खाना अच्छा पैकिंग के साथ में अच्छा टेस्ट के जो यहाँ पे रेगुलर मिलता है वही सब कुछ जोमेटो में मिलेगा। बट भैया आपको ये दिक्कत नहीं आती होगी ना, जब भी पार्टी होती तो आप भी पूरा खाना बना के रेडी कर लेते हैं ना? जो शुरू में जब ओपनिंग किया था मैंने खुद ही खाना बना लिया, अब तो पार्टी अच्छी आता होता है, अंदर बाहर रहता है, लेकिन पहले क्या था पहले कोई बंदा नहीं रखा था, खाली एक हेल्पर रखा था, तो फिर शुरू अपने उसके बाद में मैंने क्या किया, तो शेफ लोग को हायर किया, तो फिर बीजी रखा।
पहले पहले मतलब ऐसी स्टार्टअप आपने अकेले ही करा था? कंपनी अकेले ही, खाना बनाना पूरी सीखा था पहले से। मैं 6 महीने मैंने पहले पहले बनाया, मैंने अच्छे मैं कार भी हुई अच्छा करता था, मैं अच्छे वाटर कलर का आपको ये विंडूट का अभी अच्छे अच्छे मैं कार भी करता हूँ। यूट्यूब में देख सकते मेरा वीडियो पहले से है। ओके ओके वेट, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम चलते हैं किचन में और देखते हैं यहाँ पर जो भी वैरायटी है। और मैं खुद बना के दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है और वो टेस्ट करना, आप फिर शायद बता दें कैसे लगा क्या लगा। और ये जो है हमारा ये सब अभी मैं रेडी कर रखा है इसके लिए, और ये रेगुलर ऐसे ही चलेंगे इस हिसाब से दिखा रखा मैंने। क्वान्टिटी भी यही रहेगी और टेस्ट भी यही रहेगा और स्विगी जोमेटो की भी क्वान्टिटी यही रहेगी। पहले से हाफ कर रखा है इसको, दोबारा क्रिस्पी फ्राई करेंगे। जो वर्कर यहाँ पर काम करते हैं और इनके जो वर्कर हैं वो 10 बंदे काम करते हैं यहाँ पर, और आधा काम करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में और आधा काम करते हैं नाइट शिफ्ट में। तो भैया से मिलने जा रहे हैं, और भैया कितने साल से अभी यहाँ पर एज अ वर्कर काम कर रहे हो? तो भैया काफ़ी हो गया, 8-9 साल हो गया। 8-9 साल? भैया आप किस में स्पेशलिस्ट हो यहाँ पर? अभी मोमोज आप कुछ बनाते हैं यहाँ पर? और भी वर्कर से मिलते हैं अंदर। भैया आपका नाम? ये आप यहाँ पर कितने साल से काम करते हो? 6 साल से। आप किस में स्पेशलिस्ट हो गए? राइस नूडल्स। आपका नाम? प्रकाश। आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पर? 5 साल से। आप किस में स्पेशलिस्ट हो गए? फ्राई करने। आपका नाम? ये आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए। यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट क्या अभी आप का? तो गाइस आप सामने देख रहे हैं ये जो रजिस्टर सर्टिफिकेट है ये डार्डिंग केटीएम का सर्टिफिकेट है, और ये जो है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस भी ऑर्गेनाइज्ड है, सामने आप देख सकते हैं। माय गॉड, वाओ, हमारे सामने जो है फूड आ चुका है और इसके भी टेस्टिंग करेंगे और इसका जो रिव्यू है आगे बताएंगे। और ये देख रहे हैं गाइस, ये है इनका चिली चिकन, इसमें आप देख सकते हैं कि मेयोनीज भी रखा हुआ है इन्होंने और जो ये वेजिटेबल्स है वो सब रखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, ये दिख रहा है ना, ये है चिली मोमोज और इसका भी जो है मोमोज का चटनी रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस में नॉर्मली आप देखना चाहेंगे तो इनका जो चटनी है ना ये डिफरेंट चटनी है। मैं भैया से बाद में पूछूंगा कि चटनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एग फ्राइड राइस, और फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर जो एग नूडल्स और चिकन भी डाला गया यहाँ पर, चिकन एग नूडल्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो बोल सकते हैं या फिर चिली पोटैटो बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका जो चटनी वो रखा गया है। मैं करता हूँ स्टार्ट चिली चिकन से।
और अंदर आ जाओ भाई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चिली मोमोस, चिली मोमोस मैं चिली के साथ ट्राई करूंगा। बहुत अच्छा है, मैंने कभी खाया नहीं चिली मोमोस, यहाँ पर खाया है मैंने। तो मैं टेस्टिंग करता हूँ ये जो चिकन स्टीम मोमोस, स्पेशली जो मोमोस बनाते हैं वो नॉर्मली मोमोस बनाते हैं, वो ऐसे डिजाइन में बनाते हैं मोमोस। तो मैं इनके चटनी, नेपाली चटनी का टेस्टिंग करूँगा। ये देख रहे हो गाइस इनका चटनी, बहुत ही टेस्टी है, नंबर एक नंबर का। भाई साहब मैं तो यही बोलूँगा, जो भी घर में बैठे हैं ना, ऑर्डर करना स्टार्ट कर दो, मजेदार फूड, मजेदार चाइनीज। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। भाई आज हम मिलने जा रहे हैं कस्टमर से, क्योंकि 3 सालों से इस रेस्टोरेंट को विजिट करने आए, तो उनसे बात करके थोड़ा सा इस फूड के बारे में, उनका जो पैशन है यहाँ पर आने का। तो चलते हैं। तो सर आपका नाम? विकास। सो सर आप कितने सालों से इस दुकान से विजिट कर रहे हैं? 3 इयर्स। तो सर यहाँ का जो आप मतलब डेली आते हो, 3 इयर्स से आते हो, तो यहाँ का आता हूँ, तो फूड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? संडे पे जनरली आता हूँ मैं, चिकन लॉलीपॉप एक माय फेवरेट, और इसका मोमोज जो है भी गजब का है, प्लस इनकी रेट भी जेन्यून है। मैं खैर यहाँ पे जो चीज़ें ट्राई करता हूँ बता सकता हूँ, मैं नूडल्स मैंने यहाँ ट्राई किया, बहुत अच्छा नूडल्स है। मोमोज में चिकन सी है, चिकन फ्राइड है, चिकन फ्राइड मोमोज है, और वेज में वेज सी मोमोज, वेज मोहन मोमोज है, और चिकन लॉलीपॉप ये मैंने इतना ट्राई किया, और चिकन और चिली चिकन और चिली पोटैटो ये भी ट्राई किया, ये दोनों सबका टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया है, प्लस रेट भी एकदम जेन्यून है, जिसमें आप आगे खा सकते हैं। बाकी उनके कितने एरिया मैंने बहुत सारे होटल में खाया, लक्ष्मी नगर में खाने, लेकिन यहाँ रेट भी जेन्यून है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। सो बेसिकली सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो है आने जाने का पास में ईस्ट दिल्ली में रहते होंगे शायद, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो इनका फूड जो भी है क्वालिटी है, हाइजीन है, सब कुछ है। इस बगल में उनके जो फ्रेंड है वो भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। तो सर आप किस में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 8.9। तो आपको मतलब फेवरेट फूड कौन सा हुआ है ज़्यादातर? चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप यहाँ पे मैंने मुझे दोनों अच्छे लगे, यहाँ पर आप फूड हम खा चुके थे, आपको रिव्यू हमने दे चुके थे, और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। इस दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जो है डोमिनोज, मैकडोनल्ड, वहाँ पर जाते हैं, बट इस दिल्ली में जो अंदर साइड आप आओगे ना गुरुद्वारे के सामने, वहाँ पर आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो गाइस अभी हमने पूरा ट्राई कर चुके हैं यहाँ पे खाना जितने भी था, तो बहुत अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा, क्वालिटी भी हो या हाइजीन भी हो इस चीज़ में। तो गाइस जो भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो बहुत दूर है उनके लिए, तो वो स्विगी जोमेटो में कर सकता है डार्डिंग KTM के नाम से, ठीक है, तो एक बार आप सर्च कर लेना डार्डिंग KTM के नाम से, वहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप एंड चिकन फ्राइड राइस, मोमो जो सी मोमो है वो ट्राई करना ज़रूर, ठीक है, मिस मत करना। थैंक यू सो मच भैया, और हमारे जो दोस्त हैं उनको भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपके रेस्टोरेंट विजिट करें, और यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है गाइस, अब आज इनको देख सकते हैं, यहाँ पर आके बैठ सकते हैं और अंदर मज़े में खा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।